आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेटल फॉर्मिंग के बारे में। मेटल फॉर्मिंग बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इजी है। अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से सुन लिया, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो क्या देखिए, मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूं। इससे पहले मतलब इसी फोल्डर में आपको इससे पहले कुछ वीडियोस दूंगा, एनीलिंग की, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट की, मटेरियल साइंस से रिलेटेड वीडियोस जो है कि एनीलिंग होती क्या है उससे रिलेटेड अगर आपने पहले देख लिया तो आपको ये चीजें आसानी से समझ आ जाएगी, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए अगेन मैं आपको बताता हूं कि जो मैं ये सब्जेक्ट करवा रहा हूं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर आप समझना चाहते हैं, चाहे आप कास्टिंग समझना चाहते हैं, तो आपको जरूरत किस बात की है, जरूरत है आपको मटेरियल साइंस को समझने की। आप में से जिस भी स्टूडेंट ने मटेरियल साइंस नहीं मेरे से पढ़ा है तो प्लीज पहले मटेरियल साइंस को पढ़ लीजिए, तभी आप इस सब्जेक्ट को शुरू कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। सिंपल सी बात, तो मटेरियल साइंस इज द बेस ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी समझना है तो आपको मटेरियल साइंस समझना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारे पास क्या है कि हम पढ़ना चाहते हैं मटेरियल, हम पढ़ना चाहते हैं मेटल की फॉर्मिंग के बारे में। अब मेटल की फॉर्मिंग का मतलब क्या है, अगर आपको मतलब नहीं पता तो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमें सर मतलब ही नहीं पता मेटल फॉर्मिंग होता क्या है, तो हम आगे चले। जब मतलब नहीं पता तो हम आगे कैसे बढ़े। तो हम सबसे पहले मतलब समझेंगे कि मेटल फॉर्मिंग होता क्या है, किस तरह से करते हैं। देखिए हम जब भी पढ़ते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत सारी अलग अलग चीजों को मिलकर बना है। देखिए किस तरह से, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास होती है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होती है। अब प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जिसे कह देंगे वो कुछ अलग अलग चीजों को मिलकर बनी है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें जो है पेंडिंग है। तो सबसे पहले इसके अंदर कैसे आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास कास्टिंग के बारे में बात करें, हम वेल्डिंग के बारे में बात कर लें, हमने कास्टिंग भी पढ़ा है। किसी चीज को बनाने का सबसे इजी तरीका हमें जो लगा वो कास्टिंग लगा। किसी चीज को जोड़ना चाहते हैं हम वेल्डिंग कर लेते हैं। हम किसी के ऊपर कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसकी शेप वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मशीनिंग कर लेते हैं, हमने मशीनिंग के बारे में, लेथ मशीन हो गई, सारी अलग अलग तरह की मशीन की वर्किंग और उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। ये बेसिक बेसिक सी बातें हमने पढ़ी थी। तो हमने मेटल कटिंग भी पढ़ा, टूल्स के बारे में पढ़ा, ओके, तो हमारे ये सब कुछ हमने पढ़ा, मशीन टूल्स सारे हमने पढ़ लिए थे, टूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके अंदर एक और आ जाता है, वो है मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग देखो हमारे पास, हमने जो समझा वो सबसे पहले हमने कास्टिंग के बारे में, जिसके अंदर लोहे को पिघलाकर हमने क्या किया, किसी भी चीज के अंदर डाला और ठंडा कर दिया, हमारे पास शेप तैयार होगी, हमारा काम खत्म, ये तरीका हमने अपनाया। वेल्डिंग के अंदर हमने ज्वाइनिंग की चीजों की, जिसके अंदर चीजों को जोड़ जोड़ कर हमने उसको बनाया, हमने ज्वाइनिंग की चीजों की और हमने चीजों को जोड़ जोड़ के कैसे मर्जी विंग 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 वेल्डिंग कर करके हमने बनाया। मशीनिंग के ऊपर पूरी मशीन्स की मशीनिंग की, उसके ऊपर कभी लेथ मशीन चलाई, कभी कुछ किया, सब अलग अलग करके हमने मशीनिंग की और हमने पार्ट अपना तैयार किया। अब आ जाती है मेटल फॉर्मिंग की बारी। अब मेटल फॉर्मिंग में क्या करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, बात को समझना, मेटल की फॉर्म को चेंज करते हैं। फॉर्म का मतलब आप चाहे उसको पीट पीट के ठीक करो, चाहे आपको उसको पीट पीट के ठीक करो, आप चाहे उसके अंदर मान लीजिए प्रेस के थ्रू हमने उसको दबा के उसकी शेप चेंज कर दी, आप उसको गर्म करके लोहा थोड़े वो मारते हो उसके ऊपर, चाहे जैसे मर्जी, जैसे आप लोहार को देखते हो, तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो फॉर्मिंग का काम कर रहे हैं, उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो फॉर्म चेंज करते वक्त हम जो बात करेंगे तो मेटल फॉर्मिंग का नाम आएगा। तो मेटल फॉर्मिंग हम इसके अंदर करेंगे। तो मेटल फॉर्मिंग में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जिसके अंदर शीट मेटल के बारे में समझेंगे, हम शीट मेटल में भी समझेंगे, ओके, शीट मेटल के ऊपर कौन कौन से वर्क करते हैं और शीट मेटल के बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं शीट मेटल ऑपरेशन पे। और इसके अंदर हम देखते हैं तो फोर्जिंग भी इसी के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर हम पीट पीट के चीजों को गर्म करके पीट पीट के उसको चेंज करेंगे, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, कास्टिंग किया, वेल्डिंग किया, मशीन्स के बारे में किया और मेटल फॉर्मिंग के बारे में हम करेंगे। तो हमारे पास
देखिए कहीं भी आपको लगे कि सर वीडियो सही नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने मुझे बताना जरूर है, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं पता लगता तो आपको बताना पड़ेगा, तभी फायदा मिलेगा। ओके चलिए, तो हमारे पास जब हम देखते हैं तो हमारे पास अलग अलग चीजों का इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का। शेपिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं और फिनिशिंग कर सकते हैं। अब शेपिंग के अंदर देखिए तो कास्टिंग हो गया, रोलिंग हो गया, फोर्जिंग, ड्रॉइंग, सेंटरिंग और इलेक्ट्रोफॉर्मिंग और मशीनिंग। अब इनमें से हमने जो कास्टिंग पहले पढ़ लिया, हमने इसके अंदर से मशीनिंग पहले पढ़ लिया, अब जो बात रह जाती है कि हमारे पास रोलिंग कैसे होती है, फोर्जिंग कैसे होती है, ड्रॉइंग कैसे होती है, सेंटरिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग कैसे होती है, ये हमने किया इसके अंदर। जब ज्वाइनिंग की चीजों की, तो ज्वाइनिंग के अंदर एडहेसिव, ये वेल्डिंग, 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 अलग अलग तरह की वेल्डिंग, रिवेटिंग और ये नट असेंबली, ये सब कुछ होता है। एक होता है फिनिशिंग जो हमने पहले किया, पॉलिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनामलिंग, प्रिंटिंग और हीट ट्रीटमेंट, ये सारा फिनिशिंग प्रोसेसेस होती है। तो इसकी ओवरऑल क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, हमारे पास क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की किस तरह से होती है। एक और तरीका क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को अलग तरीके से कैसे देखें, प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस से। प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस है, सेकेंडरी है और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है। प्राइमरी के अंदर वही सारी चीजें जैसे कि कास्टिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, ड्रॉइंग, सेंटरिंग, एक्सट्रूशन और बेंडिंग, ये प्राइमरी है कि सबसे पहले हम उसके ऊपर क्या काम करेंगे, जो चीज प्रोडक्ट होगा प्राइमरी ऑपरेशन होगा। सेकेंडरी हमारा है मशीनिंग करना, सरफेस फिनिश करना और ज्वाइनिंग करना, तो सेकेंडरी ऑपरेशन में ये आ जाएंगे और हमारे पास प्राइमरी के अंदर ये आ जाएंगे। हमने प्राइमरी का याद रखना है कि प्राइम, क्योंकि ये पूछता है कि इनमें से ये प्राइमरी ऑपरेशन कौन सा है, हम कहेंगे प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस जो है वो ये है और सेकेंडरी वाली ये है। सेकेंडरी मतलब उसके बाद वाली, पहले ये होगा तभी हमारा ये होगा। देखो मशीनिंग अगर आप करना चाहते हो, पहले आप कास्टिंग करोगे, कास्टिंग होगी, अगर कोई डिफेक्ट रह गया, अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल रह गया तभी आप मशीनिंग करोगे, तभी आप सरफेस फिनिशिंग करोगे, तभी आप ज्वाइनिंग करोगे। आप पहले कहां से कर लोगे, पहले कुछ ना कुछ आपको फोर्जिंग करनी पड़ेगी या कास्टिंग करनी पड़ेगी या रोलिंग करनी पड़ेगी, ड्रॉइंग करनी पड़ेगी, सेंटरिंग करनी पड़ेगी, एक्सट्रूशन या बेंडिंग, ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी होता है और लास्ट होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। अब हम देखें तो एक और क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है, तो हमारे पास मेटल फॉर्मिंग की क्लासिफिकेशन हो सकती है कि बल्क फॉर्मिंग। बल्क फॉर्मिंग का मतलब क्या है, ज्यादा प्रोडक्ट है बड़ा मेरे पास और उसकी फॉर्मिंग करनी है, बल्क में फॉर्मिंग करनी है। और दूसरा है शीट फॉर्मिंग। शीट फॉर्मिंग के ऊपर क्या है, शीट के ऊपर प्रोसेसेस चलती है, हमारे पास मेटल की बहुत पतली सी शीट होती है, उसके अंदर शेप चेंज कर लेते हैं हम। हमारे पास इसके अंदर तीसरा होता है पाउडर मेटल फॉर्मिंग। अब पाउडर मेटल फॉर्मिंग अलग से करेंगे हम, पहले हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। बल्क फॉर्मिंग जो है उसके अंदर दो ऑपरेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी के अंदर क्या हो गया, जैसे कि आप कास्टिंग करते हैं, इनगॉट्स शेपिंग, बेस बनाना, बिलेट्स बनाना, ब्लूम्स बनाना, ट्यूब्स बनाना, और सेकेंडरी होता है कि फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूशन, स्ट्रेंथनिंग, ड्रॉइंग, ये प्रोसेसेस हमारी आ जाएंगी। एक बार नाम पढ़ लो, अभी आपको कभी नहीं समझ आ सकता कि अचानक से आपको सब कुछ समझ आ जाए। पहले हम चीजों को समझेंगे, फिर जब एक एक चीजें आप समझ चुके होंगे कि ये होता क्या है, तब आपको ये पता लगेगा कि ये चीजें क्या पढ़ाई थी। पहले आपके ऊपर से भी निकल सकती कि सर ये क्या नाम पढ़ाई जा रहे हो, हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन अभी टाइम दीजिए मुझे और आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखिए हमारे पास जब मैंने बोला कि शीट मेटल, अब भाई साहब शीट मेटल पे काम करना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि शीट मेटल जो है उसके ऊपर कितना दुनिया में काम चल रहा है। ओके, तो हम देखेंगे इसके अंदर शीट मेटल किस तरह से काम करती है। ओके चलिए, ये देखिए ये कंपनी जो काम कर रही है वो सारा का सारा शीट मेटल पे काम हो रहा है। मैं यहां से देख लेता हूं अगर क्लियर दिख रहा है आपको, तो शीट मेटल पे आई होप ये क्लियर होगा आपको। हाँ क्लियर है। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये शीट मेटल पे जो काम हो रहा है वो चीजें हैं, ये देखिए। अब एक बार इसको देखिए, एक बार इस वीडियो को देखिए, ओके
देखिए अब हमारे पास क्या चल रहा है कि शीट जो है वो यहां से सिंगल पीस फ्लो, ये देखिए शीट कितनी पतली है, कितनी पतली शीट है, और इसके ऊपर जब ये प्रेस लगाएंगे और ये डाई बनी बनाई है और ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो एक ही बार में करके काम खत्म कर देते हैं। ये देखिए शीट को उठाते कैसे, देखो शीट अलग अलग कैसे हो रही है, मैग्नेटाइज जो है वो देखो ऊपर होगी, ये देखो नेक्स्ट अगली आ गई शीट आ गई। अब देखो यहां पे प्रेस ऑपरेशन दिखाएंगे, यहां पे देखना एक बार, आई होप ये वीडियो सही दिख रही हो आपको। ये देखिए कैसे मल्टी हेड टैपिंग हो रही है, टैपिंग किस तरह से हो रही है ये भी देख लीजिए। ओके ये देखिए टैपिंग किस तरह से एक साथ सबके ऊपर टैपिंग हो रही है, मल्टी हेड टैपिंग बोलेंगे इसे। ये देखिए तो शीट मेटल के ऊपर हमें काम करना इतना जरूरी है कि आप देखेंगे कंपनीज में, ये देखो एक बार बैठा काम खत्म, चलो चलो नेक्स्ट, इतना काम चल रहा है बस। लेकिन इसकी कंपनी की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, मशीनिंग करना, मशीन बनाना बहुत मुश्किल है। ये देखो एक बंदे को एक ही काम दे रखा है, कोई चीज बेंड हो रही है तो बेंड ही हो रही है, ये देखो कोई चीज जिसके अंदर होल हो रहा है तो होल ही हो रहा है, सब कुछ वही काम हो रहा है, एक बार में जो हो रहा है वही काम दोबारा दोबारा हो रहा है और उसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ये देखो एक ही शेप बनाई जा रहे हैं, वही बनाई जा रहे हैं। तो ये शीट मेटल के ऑपरेशन होते हैं, शीट मेटल के ऑपरेशंस होते हैं जिसको हमें करना होता है। लेकिन ये क्या है, ये ऑपरेशंस है जो मैंने देखा है आपको वो सेकेंडरी है। तो आप कहोगे सर प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी है ये, प्राइमरी है यहां पर देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम चीजों को बनाए, पहले तो हमारे पास शीट जब बनेगी शीट से पहले क्या बनेगा वो यहां पर है। देखो ये देखिए अब ये जो है हमारे पास कंटिन्यूस कास्ट रोलिंग है, ये देखो ये है प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे पास पहले यहां पे जो है पिघला हुआ लोहा इकट्ठा हो रखा है और ये टेंडिश में यहां पे इकट्ठा होता है और फिर नीचे आएगा देखो रोलर के थ्रू। ये देखिए वाटर कूल्ड रोलर है और उसके बाद आगे ये देखिए स्ट्रिप बन गई हमारे पास, ये स्ट्रिप्स जो होती हैं ये आगे जाती हैं काम करने के लिए, हम शीट्स बनाते हैं इसकी। ये देखो वाटर कूलिंग हो रही है, ये सारी शीट बनके बाहर आती है और ये जितनी थिकनेस हमें चाहिए, बाद में हम देखते हैं कि हमें थिकनेस कितनी चाहिए, उस तरह की कॉइल हम लेते हैं। बात समझ आई, तो ये इस तरह से है। एक और देखिए, एक और देखिए इस चीज को, बात समझ आ रही है। तो हम पहले ये समझे कि हमारा काम है क्या, जैसे ये देखिए हमारे पास इस तरह की बार्स बनती है तो वो किस तरह से बनाते हैं कि हम ये इसमें समझा रहे हैं कि हमारे पास जो है स्क्रैप हम मटेरियल लेके भी तैयार कर देते हैं, हम स्क्रैप मटेरियल से भी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए ये भी उसी तरह की प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर जो शेप निकलेगी वो अलग तरह की निकलेगी। जैसे उसके अंदर शीट्स बन रही हैं, इसके अंदर अलग अलग तरह की, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कौन कौन सी शेप हम तैयार करते हैं, कंपनीज कौन कौन सी तैयार करती है। ये देखिए इसकी शेप देखिए अलग तरह की है। तो जिस तरह का आपको प्रोडक्ट बनाना है उसी तरह का पीछे से खरीदना पड़ती है चीज। अब ये शीट के लिए यूज नहीं हो सकती, ये चीज शीट के लिए यूज नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से रोलर के ऊपर घूमती है, ये देखो उसकी शेप चेंज करते हैं और इसको आप एक सर्कुलर बार भी बना सकते हो, इस तरह से पास कर करके सर्कुलर बार भी बना सकते हो इसके थ्रू। तो बेसिक बातें आप समझो तभी आपको आगे समझ आएगा कि ये होता क्या है, वो क्या होता है, नहीं तो भाई साहब बातें हैं, बातों के अंदर तो जो मर्जी करते रहो। अब यहां पे आइए, शीट मेटल से आप क्या बना सकते हो, पूरी की पूरी कार की बॉडी जो है वो शीट मेटल से बन रही है। आप कार की बॉडी को देखोगे तो ये सारी शीट मेटल से बनी है। आप अपने घर के बर्तन देख लीजिए, शीट मेटल ऑपरेशन से बने हुए हैं सारे के सारे। आप बर्तन जितने देख रहे हो ना, आप जितनी भी जहां पे पत्ती देखोगे, लोहा है मुड़ा हुआ है, पतली शीट है, वो सारे शीट मेटल ऑपरेशन से बन रहे हैं। क्योंकि एक बार कंपनी का सेटअप होता है, एक बार आपको पता लग गया कि हमने सिर्फ ये, मान लीजिए कोई गिलास बनाने वाली कंपनी है, आप स्टील का गिलास बना रहे हो भाई, धा ठा बन रहे हैं बस, वो भेज रहे हैं धा धड़ा धड़ बन रहे हैं। तो ये सारा जो काम हो रहा है वो शीट मेटल से हो रहा है।
अब शी जो मेटल फॉर्मिंग है उसको मेटल फॉर्मिंग क्यों कहेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें और तो हम देखेंगे तो, और इसके अंदर कौन कौन से टेक्निक होंगी, क्या क्या होगा, वो सारी बातें हम करेंगे। इसके अंदर हम समझेंगे जैसे रोलिंग, रोलिंग क्या होता है कि रोल के बीच में, जैसे अभी देखा था आपने रोल के बीच में से निकाल देना चीजों को, रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। इस द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग मेटल बाय पासिंग इट बिटवीन टू रोल्स, दो रोल्स के बीच में से निकालना हम उसको रोलिंग बोलेंगे। डोंट वरी, मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूं, अभी हम सारा समझेंगे। फोर्जिंग क्या है, फोर्जिंग के अंदर हम पूरा उसका ठोक ठोक के पीट पीट के शेप चेंज करते हैं, उसको फोर्जिंग कहते हैं। एक्सट्रूशन प्रोसेस क्या है, जब हम एक मान लीजिएगा यहाँ पे लोहा है मेरे पास पिघला हुआ और इसको एक शेप में से बाहर निकाल देते हैं, एक शेप में से बाहर निकाल देते हैं, जैसी शेप में से बाहर निकालेंगे वो शेप बन के हमारी तैयार हो जाएगी, उसको हम एक्सट्रूशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या पिघला हुआ अंदर पड़ा होता है ऐसी घचमच अजीब सा, आप दबाते हो एक्सट्रूशन प्रोसेस करके पूरा शेप बस सेम बाहर निकल आता है, तो वो क्या है एक्सट्रूशन प्रोसेस है। ड्राइंग क्या है, जब हम किसी का डायमीटर कम करना चाहते हैं, मेरे पास एक मोटे डायमीटर की चीज है, हम उसको खींचते हैं छोटे डायमीटर में से, तो उसका डायमीटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसको हम ड्राइंग बोलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC JEE RRB JEE किसी भी JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, ऑल इन वन AEJEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने SSC JEE RRB JEE को क्लियर करने का अपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।